बीवी अगर गुस्से में हो तो धारण कर लो मौन। आज हम समझेंगे अबाउट आइडिया वोडाफोन। आई नो बहुत ही बेकार थी, बट चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली आइडिया वोडाफोन का केस हुआ क्या है, ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या नया खबर आ रहा है, मेरा क्या ओपिनियन है, किस तरह से ये सारी चीजें चलेगी, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग इस शेयर को खरीदना चाहते हो तो आपका क्या फ्यूचर हो सकता है बेस्ड ऑन ऑल द रिस्क एपेटाइट। तो चलिए शुरू कर ले। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में आप ये लिख के बता दीजिए कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में एट प्रेजेंट आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, आइडिया है, भारतीय है या जियो है, दैट इज रिलायंस। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे ताकि अपन को पता लगे मास अभी भी किस पे ज्यादा बिलीव करता है। सो 1992 में जब वोडाफोन हमारे देश में एंटर हुआ था, जब दो प्यारे लोगों का संगम हुआ था, मैक्स इंडिया और हचिसन का, तो उस समय पे उन लोगों ने भी नहीं सोचा था कि 2020-21 तक इस कंपनी की क्या हालत हो जाएगी। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम इतने बार बदल चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। किसी टाइम पे हचिसन था, फिर उसके बाद वोडाफोन, वोडाफोन आइडिया, हच इंडिया, आइडिया, आइडिया सेलुलर, इतना ही नहीं, बीच में एसआर ग्रुप का भी इधर स्टेक था। तो काफी सारी कंपनियां इससे जुड़ी हुई थी, यहां से निकली, मर्जर एक्विजिशन, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बार नाम बदले, बट स्टिल नसीब ऐसा इनका पनौती है कि आज इनकी हालत खराब है। तो हाल फिलहाल में केस एग्जैक्टली ये हुआ कि कुमार मंगलम बिरला जी, जो कि प्रमोटर हैं वोडाफोन आइडिया के, उनने पहले एक लेटर लिखा, उन्होंने ये कहा कि भाई गवर्नमेंट आप अगर हमको मदद नहीं करेंगे तो वोडाफोन आइडिया की हालत खराब हो जाएगी, जिसपे गवर्नमेंट ने कुछ इस प्रकार की कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं है। उसके बाद उनने वापस एक प्रयास किया और इस साल उनने वापस जब अपने एफर्ट्स देखने के बाद उनको पता लगा कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ पे कोई हेल्प नहीं करने वाली, कोई मदद नहीं करने वाली है, तो उनने चेयरमैन पद से रेजिग्नेशन दे दी, जिसके कारण एक बुखार खड़ा होगा कि भाई चेयरमैन ने ही खुद ने रिजाइन कर लिया। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत ही डिस्टर्बिंग है वो है इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है, जो टोटल कर्जा है, 1,80,000 करोड़ तक का कर्जा एज ऑफ मार्च 2021 तक देखा गया है, जो कि बहुत बड़ा मायने में देखा जाता है। इतना एसेट्स भी नहीं बचा है अभी कंपनी के पास जितना इनके पास कर्जा है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा डैम्परिंग थिंग ये है कि ये कर्जे के साथ साथ इसी के अंदर 60,000 करोड़ वर्थ AGR ड्यूज है। अब ये एग्जैक्टली क्या है इसको मैं समझाऊंगा, इसकी पूरी केस स्टडी, और इन्हीं सारे चक्करों के चक्कर में इंस्टीट्यूशंस जो वोडाफोन आइडिया को होल्ड करके रखती थी वो भी सेल कर रही। इनफैक्ट काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने कह दिया कि हम अपने बुक्स में इसको जीरो मार्क कर रहे हैं, इन शॉर्ट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, भले ही उनने एक टाइम पे 100-200 करोड़ रुपए इस पर लगाए थे, वो उसको जीरो करके चल रहे हैं। बट जी हाँ, जैसे आपको पता है कोई भी शेयर डूबता है उसमें रिटेल का इंटरेस्ट बहुत जग जाता है, तो हम समझेंगे क्यों जग रहा है, क्या हो रहा है इस चीज पे। सम पीपल वर आस्किंग, जब मैंने रील डाला था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कि आपने इसका BTST क्यों लिया था, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जुआ खेला था, 18-20% का रिटर्न मिला, मैं निकल गया, मैंने लाइव वीडियो जो डाला था रील्स पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये बढ़ा क्यों, ये बढ़ा इसलिए बिकॉज एक डिक्लेरेशन आया कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो ये था, गवर्नमेंट ने जो लगा के रखा हुआ था पहले से, उसको वापस ले लिया। अब इस चीज को समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो पहले हम समझेंगे AGR ड्यूज का क्या सीन था। तो इसकी कहानी ना, ये आज से 30-40 साल पहले शुरू हो गई थी। इस टाइम पे क्या हो गया था कि गवर्नमेंट ये सोच रही थी, सरकार उस समय पे सोच रही थी कि हमारे देश के डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। इसी चक्कर में इनने 2-3 सेक्टर पिक कर लिया, एक इलेक्ट्रिसिटी पिक कर लिया, एक टेलीकॉम पिक कर लिया, फार्मा पिक कर लिया, और उनने ये कहा कि भाई इन तीनों सेक्टर्स में जो भी कंपनी सेट कर रही है ना, गवर्नमेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपना टावर लगाओ, आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री बनाओ, आप अपनी फैक्ट्री बनाओ, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, दैट्स इट, आप अपना काम करो, आपको अलग से कुछ की जरूरत नहीं है। जिसके कारण काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट इस चीज पे आने लग गया, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, तो एवरीवन स्टार्टेड एंटरिंग इनटू दिस सेक्टर। फिर गोइंग अहेड करीब करीब 2002 तक गवर्नमेंट को एक चीज रियलाइज हुई कि भाई इन लोगों ने तो बहुत अच्छा पैसा वैसा कमा लिया है, लेकिन अब समय है कि अब इन लोगों को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब इनको हमको पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने सबको बोल दिया कि भाई अब एक चीज सिंपल से आप समझ लो कि अब आपको हमको लाइसेंस फी देनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रम फीस देनी पड़ेगी, और ये परसेंटेज वाइज आपको देना पड़ेगा। तो सारी कंपनियों ने सोचा कि यार चलो ठीक है यार, इतने सालों से इतने अरबों पैसे कमाए हुए हैं, कुछ एकाध करोड़ कुछ करोड़ रुपए गवर्नमेंट को भी दे देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो सारी ये टेलीकॉम कंपनी जो उस समय पे थी, उनने अपना कैलकुलेशन निकाला और जाके गवर्नमेंट के पास रेडी की, ये भैया लो। तो ये ले चले गई गवर्नमेंट के पास कि देखो भैया ये सारी चीज़ें हैं, अब अपने हिसाब से देख लो। जिस पर गवर्नमेंट ने बोला भैया ये क्या है, ये तो आपने बहुत कम पैसा दिया हुआ है। बोले हाँ कैसे, AGR हमने तो दे दिया, AGR ड्यूज प्रॉपर। तो उनमें गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई साहब आपको एक समझना है, AGR का मतलब क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने
एक XYZ कंपनी से टेलीकॉम कंपनी खोली, और टेलीकॉम कंपनी के साथ साथ आपने पेट्रोल की कंपनी खोल ली, पेट्रोल कंपनी के साथ साथ आपने गुलाब जामुन की फैक्ट्री खोल ली, वैसे होती नहीं है फैक्ट्री बट मान लो किसी चीज़ की फैक्ट्री खोल ली। सो अब सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई साहब आप लोगों की ये सारी चीज़ें मिला के जो रेवेन्यू आता ना, उस रेवेन्यू का 1% आपको देना पड़ेगा। दोस्तों इस तरह के लाइसेंस फी, एनुअल फी और ये सारे जो फी रखे थे वो करीब करीब 12% के हो रहे थे, जिसके कारण अब बड़े बिजनेसमैन वाले सोचने लग गए भैया ये टेलीकॉम से हम कमाते हैं 10-15 करोड़ रुपए, बाकी हमारे बिजनेस से 100 करोड़ रुपए कमा रहे, तो अब उन 100 करोड़ का भी अब हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये परेशान होने लग गए। और वहीं से गवर्नमेंट वर्सेस दीज टेलीकॉम कंपनीज की बढ़त शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। तो काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते थे दोस्तों AGR ड्यूज को लेके, तो मैंने आज उस चीज को क्लियर कर दिया। अगर कुछ भी सीखने मिलता है लाइक करते जाओ, इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और इसी तरह गाइड करने का। अब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का क्या सीन था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का सीन ये हो गया कि 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? बिकॉज वोडाफोन आइडिया के साथ गवर्नमेंट की एक भिड़त चल रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, जिसपे वोडाफोन आइडिया जीत गई थी, तो जिसको लेके गवर्नमेंट बहुत गुस्सा हो गई थी और ऑब्सेस्ड हो गई थी। सारा अपना काम करवा के उनने एक चीज पास करवा दी कि भाई आज से 50 साल पहले तक जितनी भी कंपनीज के बीच में इंटरनल एसेट ट्रांसफर हुए हैं, चाहे वो मर्जर एक्विजिशन हो, तो हम अब उसके बेसिस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे और पिछला वाला जो नहीं है वो आपको देना पड़ेगा। एक सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जा रहा हूँ। तो जिसके कारण कंपनियां परेशान, केन इंडिया को तो सरकार ने परेशान ही कर दिया, जबरदस्ती उनका जो 10% का स्टेक वेदांता को बेचा था वो लेके इन लोगों ने बेच दिया, बोले हम तो अपना टैक्स वसूल करेंगे जैसे भी करना है, जिसके कारण केन इंडिया काफी सारे इंटरनेशनल फोरम्स और इंटरनेशनल कोर्ट पे गया। और मजे की बात यह है कि हर इंटरनेशनल कोर्ट पे केन इंडिया केसेस जीता। यही चीज वोडाफोन आइडिया के लिए भी लागू हो गया, जिसके कारण वोडाफोन भी गुस्सा होगा कि भैया ये सरकार क्या कर रही है, मतलब कुछ तो भी लगा रही है। इनफैक्ट इंटरनेशनली एंड नेशनली काफी सारे लोगों ने यह चीज कहा कि सरकार आपने ये चीज गलत करी है, इस तरह के टैक्स मत लगाओ। इनफैक्ट लोगों की उम्मीद थी कि 2014 में जब हमारी सरकार बदली थी तो उस समय के बजट में कोई चेंजेस आएंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा सरकार ने और चीज़ें बदतर कर दी वहाँ पर इस चीज़ के लिए, लेकिन गवर्नमेंट अड़ी रही कि भाई नहीं हमको तो नहीं देना है। तो अब फाइनली जाके यहाँ पर सरकार ने ये चीज़ करी है। अब सिंपल सी चीज़ है, करीब करीब $1.2 बिलियन का जो एक फायदा है अभी तक, ऑल दो केन इंडिया ने ये नहीं कहा है कि उसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे भी ये कहा है कि भाई हम प्रिंसिपल अमाउंट ही देंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो अब ये जाहिर सी बात होती है कि भाई एक तरीके से आपने 3-4 साल तक किसी का पैसा लेके ब्लॉक किया हुआ है, अब आप उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? तो इसी चक्कर में इसी का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयर पे भी पड़ा कि चलो ठीक है वोडाफोन का भी जो केस चल रहा है उनको नहीं देना पड़ेगा इसलिए। लेकिन पॉइंट अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस पे रिस्क्स क्या है। तो रिस्क समझने से पहले हम समझेंगे कि बैंक्स पे इसका क्या रिपरकशन है। तो बैंक्स ने तो ये सिंपल सी चीज़ें कह दी हैं, चाहे वो SBI हो, इंडसइंड हो, जो भी हो, इन सब ने कहा है कि भाई हमने तो पहले से एक जनरल प्रोविजन बना के रखा हुआ है, तो इवन हमारा जितना एक्सपोजर है कुछ 1000 करोड़ों का, वो अगर आइडिया डिफॉल्ट भी कर देता है, बैंकरप्सी भी फाइल कर देता है, तो हमको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। IDFC फर्स्ट बैंक इसलिए वीकनेस दिखा रहा था बिकॉज लास्ट ईयर क्या हुआ, जब प्रोविजन करने की बारी आई तो IDFC फर्स्ट बैंक को लगा भी ये सुप्रीम कोर्ट पे जो ये चीज़ें चल रही हैं आइडिया वोडाफोन की, वैसे भी अब हमारे पक्ष में ही आने वाली है चीज़ें, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रोविजन बोला अब रखने की जरूरत नहीं है, उनने एक सब्सटैंशियल पार्ट हटा दिया था, जिसके कारण अब जब समझ में आया कि नहीं भाई ये कहीं से काम नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं ले रही है, AGR ड्यू तो देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, तो फिर लोगों को एक पैनिक आने लग गया, जिसके कारण बिकॉज IDFC फर्स्ट बैंक का एक एक्सपोजर है बट उसने इतना बड़ा प्रोविजन नहीं बनाया जिसके कारण इसकी प्रॉफिटेबल हिट होगी, इसी चक्कर में उन लोगों ने इस चीज को कैंसिल करना शुरू किया। सबसे बड़ा रिस्क अगर एक्चुअली में आप देखा जाओ तो गवर्नमेंट को ही है, क्योंकि अगर मान लो आइडिया बैंक्रप्सी की तरफ चले गई, उसने फाइल कर दी, जो कि नहीं करेगी मेरे हिसाब से, जो कि नहीं करेगी, बट इन केस मान लेते कभी फ्यूचर में इसने कर दिया, तो जो वो AGR ड्यूज का है 60,000 करोड़ जो गवर्नमेंट को मिलने का है वो नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट का क्या प्लान था कि भाई ठीक है अगर आइडिया बंद भी हो गई, वोडाफोन आइडिया बंद भी हो गई, तो हम तो क्या, हम तो स्पेक्ट्रम बेच के अपना पैसा वसूलेंगे, जितना भी पैसा होगा हम स्पेक्ट्रम बेच लेंगे, मतलब इनका स्पेक्ट्रम लेके हम थर्ड पार्टीज को दे देंगे, लेकिन हम अपना पैसा तो नहीं डूबने देंगे। लेकिन इसमें अब रिस्क क्या हो गई है कि कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये आइडिया के ऊपर जो 1,80,000 करोड़ का लोन है वो कहाँ से आया, कोलैटरल में उनने स्पेक्ट्रम ही तो रखे थे। तो इन शॉर्ट अब
बैंक्स बोलेंगे कि नहीं भाई हमारा राइट है, अगर आइडिया बैंकरप्सी के पास जाएगी तो हम पहले स्पेक्ट्रम बेच के अपना पैसा वसूलेंगे फिर बाद में। तो अगर मान लो ये बैंकरप्सी पे चले गई तो बैंक्स वर्सेस गवर्नमेंट हो जाएगी। अभी तक टेलीकॉम वर्सेस गवर्नमेंट हो रही थी, अब सिलेक्ट बैंक्स वर्सेस गवर्नमेंट हो जाएगी। तो इसलिए बैंकरप्सी का तो सीन मुझे इतना आसानी से लगता है। बट अब हम कुछ रिस्क देख लेते हैं इनकेस आप शेयर होल्डर हैं। पहली चीज, अगर ये एनसीएलटी पे जाती है तो काफ़ी सारे लोग सोचते हैं अरे एनसीएलटी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे फेवर में जाएगा। डीएचएफएल में क्या हुआ, मिला पैसा शेयर होल्डर को? जीरो, जीरो वैल्यूएशन मिली है। इनफैक्ट लास्ट कुछ टाइम से एनसीएलटी के पास जितने केसेस जा रहे कोई पैसा नहीं मिल रहा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि अगर इसके पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है तो अब ये कस्टमर बेस कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, तो ये दो प्लेयर्स के पास चला जाएगा, भारती और जियो, जिसके कारण इनकी मोनोपोली हो जाएगी। और भारती और जियो ने तो सिंपल सा एक चीज कह ही दी है कि भाई हमको एजीआर ड्यू देना ही है तो हमको अपने प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगे, और कोई कुछ कर ही नहीं सकता बिकॉज प्योर मोनोपोली दो प्लेयर्स की हो जाएगी। ये प्राइस बढ़ाएंगे और ये सारा पास ऑन किस पे होगा, कस्टमर पे होगा। तो वो जो फ्री मिलती थी चीजें या फिर थोड़ी कम सस्ते में मिलती, सस्ता नहीं हो जाएगा, पैसा 30-40% बढ़ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पेन तो उस बंदे को होगा जिसने August 1st को साल भर का रिचार्ज कराया, वो भी आइडिया पे। वो अलग टेंशन में सो रहा होगा कि भैया आइडिया बंद हो गए तो मेरे रिचार्ज का होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा, साल भर का रिचार्ज करा दिया, उसका भी टेंशन थोड़ा आपको सोचना चाहिए। दूसरा, गोल्डमैन सैक्स बोलता है कि अगर आइडिया को इस स्थिति से निकलना है तो इनको अपने टैरिफ चार्जेस 1/3 करने पड़ेंगे, लेकिन इनका रेवेन्यू डबल होना पड़ेगा। अब भाई ये कैसे करेगा, ऑलरेडी कंपनी फंसी हुई है, ऑलरेडी इसके क्लाइंट्स इतने सारे यूजर्स जा रहे हैं, उस केस में ये करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नया प्राइवेट इक्विटी प्लेयर रेडी नहीं। आपको क्या लगता है, प्रमोटर जिस कंपनी को खुद छोड़ के चले जा रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन, जो व्यक्ति अपने बच्चे को पैदा कर रहा है वो खुद अब बोल रहा है नहीं भाई मेरे को ये बच्चा नहीं चाहिए, मेरा बच्चा नहीं है। जब ये स्थिति कब आती है, वर्स्ट कंडीशन में आती है, और एक इंटरनल इंसान को सबसे ज्यादा चीजें पता रहती है, तो ऑब्वियसली उनने सारे अपने रिसॉर्ट्स देखे हैं, उसी के बाद ये चीज डिसाइड करी। जब वो खुद एक गिव अप कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको रियलाइज नहीं कर रहा, कुछ हेल्प नहीं कर रहा, और उसका एक मेन रीजन ये भी मुझे ऐसा लगता है कि बिरला साहब का जो सरनेम है वो एंड होता है LA से, अगर ANI से एंड होता तो शायद कुछ हो भी सकता है। ये मैं नहीं, ये जो मेरा ज्योतिष है वो कहता है कि भाई आपके सरनेम में ANI एंड में हो तो गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करता, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्योतिष कहता है। तो पॉइंट ये है कि इसी कारण काफी सारे प्रॉब्लम्स है शेयर होल्डर्स को। मेरा एक सिंपल सा कहना है कि एक टर्न अराउंड बैठे, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दूंगा, साल भर पहले बनाया था, जहां पर भी मैंने सेम चीज कहा था कि टर्न अराउंड बैठे 3-4% से ज्यादा अपना एलोकेशन मत रखो, 100% रखने वाला प्योर जुआ खेल रहे, स्पेकुलेशन है। बिकॉज ना आपको पता, ना मुझे पता, ना गोल्डमैन सैक्स को पता, ना पीटर लिंच को पता होगा कि भाई इसके बाद ये कंपनी का क्या होगा। दूसरी चीज है, टेलीकॉम कंपनी ऑलरेडी बड़ी एक्सटेंसिवली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मेरा प्रेफरेंस मैंने पहले भी बताया, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी पहले बताया था, अभिषेक कर ऑफिशियल पे, और इसके साथ साथ ट्विटर पर भी बताया था, 519 पे हमने भारती का लेने का बोला था, और पिछले साल भी हमने बोला था 300 something पे। तो पॉइंट ये है कि बॉस मेरे हिसाब से इस स्पेस में भारती इज़ बेटर अगर आपको एक्सपोजर बड़ा रखना। तीसरी चीज़ आप इस चीज़ पे याद रखो दैट ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तीसरी चीज़ है कि जब इतनी सारी अनसर्टेनिटी है तो आपको सारा पैसा इस पे लगाना क्यों जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।